बड़ा ही आप सबों के बीच मैं ये जो भजन सुनाने जा रहा हूं, ये भजन में बड़ा ही सुंदर ही एक रोचकदार कहानी है और ये सत्य बात है जो कि आज तरंग म्यूजिक के माध्यम से आपके बीच ये मैं भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इस भजन में आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जीवन की एक एक चीज, हर ग्रंथों की बात इस भजन में आपको सुनने की मिलेगी। आइए, भक्त और भगवान का कहानी इस भजन में है। जब भक्ति नहीं होंगे, जब भक्ति नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब भक्ति नहीं होंगे, जब भक्ति नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब भक्ति नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब भक्ति नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। बात को जरूर ध्यान देंगे। भक्ति हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, भक्त हुए लाखों भक्ति भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भक्त इस धरती पर कौन हुआ आपको मालूम है? उसे हनुमान जैसा, उसे हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। उसे हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। उसे हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। क्या आपको मालूम है? ध्यान से आप ये बात जरूर सुनेंगे। दानी हुए लाखों और दान भी देते हैं, आप अपने शहर में, अपने गांव में बहुत से दानियों का नाम मंदिरों में, मस्जिदों में आपने देखा होगा लिखा हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं, दान
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एक व्यक्ति है इस धरती पर सबसे बड़ा दानी, कौन? उस कन्यादान जैसा, उस कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, उस कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। हमारे भारत देश इस धरती पर अनेक प्रकार के विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए। इस भारत माता ने अनेक प्रकार के व्यक्तियों को जन्म दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं? आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, बताता हूं मैं, उस रावण के जैसा, उस रावण के जैसा, उस रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहां होगा, उस रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहां होगा, उस रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहां होगा। जियो जियो मेरे भाई कलंदर बाबू, जियो इस धरती पर। इस कलयुग में आज हम किस पर विश्वास करें, बहुत ध्यान की बात है। मैं आपके बीच सुनाने जा रहा हूं ये भजन तरंग म्यूजिक कैसेट से आप सुन रहे हैं। हमारे उमेश जी का बहुत बड़ा योगदान हम सभी कलाकारों का है। सत्यवादी हुए लाखों और सत्य भी कहते हैं, आज आपके जीवन में आपके सुख दुख में बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, हर बात कहते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है, सत्यवादी हुए लाखों और सत्य भी कहते हैं, लेकिन आज इस समाज में हजारों नहीं लाखों में एक ही वैसे व्यक्ति हैं। इतिहास बताता है कौन, राजा हरिश्चंद्र जैसा, राजा हरिश्चंद्र जैसा, राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवान कहाँ होगा, राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवान कहाँ होगा, राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवान कहाँ होगा। और आखिरी में आपके बीच एक बात मैं छोड़ना चाहता हूं, मेहमान हुए लाखों मेहमानी भी करते हैं, मेहमान हुए लाखों मेहमानी भी करते हैं, बस आपको
ये मालूम होना चाहिए, इस धरती पर एक ही व्यक्ति मेहमान हुआ और उसका मेहमानवाजी हुआ कौन? परभक्ति सुदामा सा, परभक्ति सुदामा सा, परभक्ति सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, परभक्ति सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, परभक्ति सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। और एक बार आज के नौजवान पीढ़ियों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस भजन के माध्यम से। शैतान हुए लाखों शैतान भी करते हैं, शैतान हुए लाखों शैतान भी करते हैं, क्या आपको मालूम है इस धरती पर इस जीव में सबसे बड़ा शैतान कौन है? मैं बताता हूं, एक ही है शैतान, वो जीव वो प्राणी। एक मच्छर के जैसा, एक मच्छर के जैसा, एक मच्छर के जैसा शैतान कहाँ होगा, एक मच्छर के जैसा शैतान, एक मच्छर के जैसा शैतान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।